तो आज हम बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस की। सबसे पहले तो हमको बर्नौलीज थ्योरम पता होनी चाहिए। तो बर्नौलीज थ्योरम नॉर्मली मैं कैसे याद रखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की वो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो होती है एम जी एच, प्लस प्रेशर एनर्जी मुझे फॉर्मूला पता है उसका, वो होता है प्रेशर इंटू में वॉल्यूम। याद रखने के लिए उसको ऐसे याद रखा हुआ मैंने, तो फिर इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो या मास से, तो मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया इसको, वॉल्यूम से डिवाइड करा तो यहां बच गया अकेला प्रेशर, फिर मास अपॉन वॉल्यूम ये हो गया डेंसिटी, और ऐसे यहां पे मास अपॉन वॉल्यूम आएगा वो भी क्या हो जाएगा डेंसिटी। तो इक्वेशन ये बन गई। अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और दोनों पॉइंट्स कैसे हैं वो सेम हाइट पे हैं, मतलब अगर दो पॉइंट्स सेम हाइट पे हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्म आ रही है रो जी एच, इसकी जरूरत नहीं है, ये खुद भी क्या हो गई कॉन्स्टेंट, क्योंकि हाइट का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या बच गया, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहां से आपको ये बात समझनी है कि अगर दो चीजों का सम कॉन्स्टेंट है, जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि ए प्लस बी ये है 20, ठीक है, अब ए अगर 4 है तो बी कितना है, और यहां तो वेलोसिटी का स्क्वेयर आ रहा है, तो चलो यहां पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं, मान लो थोड़ा और बेटर समझ में आ जाएगा आपको। तो बी का स्क्वायर कितना होगा, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो बी कितना आ गया 4। अब मान लो आप एक को बढ़ा दो, आपने ए को बढ़ा दिया, तो आपने ए को क्या कर दिया, आपने ए को कर दिया 16, आपने ए को इंक्रीज कर दिया, तो अब बी को क्या होना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा अब 4, तो बी कितना हो गया 2। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट होता है, ए प्लस बी वो क्या है कांस्टेंट, तो अगर एक बढ़ता है तो दूसरे को कम होना पड़ता है, और वाइस वर्सा, अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। यानी कि इस इक्वेशन में अगर मैं लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम। तो इस चीज पे बेस्ड रहेगा हमारी जो एप्लीकेशंस हैं बर्नौलीज थ्योरम की। तो अब एक एक करके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन तो वो आती है जो रूफ होती हैं मकानों की, कच्चे घरों की, वो फ्लाई कर जाती हैं ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब तूफान वगैरह आता है तब जो कच्चे घर होते हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं। तो वो क्यों उड़ जाती हैं, उसका कारण क्या होता है, मेरी ड्राइंग का एक और बेहतरीन नमूना देखने को मिल रहा है, किस्मत वाले हो तुम, ऐसे ड्राइंग रोज नहीं मिलती देखने को। तो मान लो तूफान आया हुआ है, तूफान आया हुआ है तो क्या है, ऊपर की तरफ जो हवाएं हैं वो बहुत तेज चल रही हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर हवा का खूब बहुत तेज हवा चल रही है। अगर मैं ऊपर हवा जो चल रही है उसकी वेलोसिटी को मैं ले लूं V1, और यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे मतलब यहां पे मान लो आपने एक पॉइंट लिया है ए, उसके जस्ट नीचे एक पॉइंट ले लो बी, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है हवा की V2, जो भी वेलोसिटी होगी, और ए और बी हमने ऑलमोस्ट क्या लिया है सेम हाइट पे लिए हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हाइट पे हैं, तो हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा उसको मैंने बोल दिया पी बी, और ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको बोल दिया पी ए। अब आप जाहिर सी बात है जब तूफान आ रहा है तो आपको पता है कि जो हवा बाहर चल रही है यानी कि V1 वो काफी ज्यादा होगी V2 से, क्योंकि V2 तो अंदर है घर के और V1 बाहर है, तो बाहर वाली हवा तेज है तो V1 बहुत ज्यादा है V2 से, तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाता है बहुत कम। तो यानी कि अगर V1 बहुत ज्यादा है V2 से तो जो ये ए वाली जगह है इसको V1 की जगह VA भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो ए का प्रेशर बहुत कम होगा बी के प्रेशर से। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूं, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यू मान सकते हो कि नीचे से प्रेशर खूब लग रहा है और ऊपर प्रेशर इतना है ही नहीं, जब नीचे से प्रेशर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो रूफ है ये प्रेशर कुकर की तरह ये ऊपर उड़ जाएगी, रूफ फ्लाइज। तो पहली एप्लीकेशन तो ये होती है, क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो अंदर से दबाव बढ़ेगा तो उसको उड़ा ले जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन होती है जो एरोप्लेन का विंग होता है उसके ऊपर ड्रैग लगती है, ड्रैग ऑन एरोप्लेन विंग।
जो हवा में, जो एरोप्लेन में, जो एरोप्लेन का जो पंखा सा होता है, ठीक है, उसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से करी हुई होती है। प्रॉपर मैं यहाँ पे वो डिजाइन शो नहीं कर सकता, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। मतलब वो ड्राइंग ऐसे कर रखी होती है वहां पे कि जो नीचे वाला प्रेशर है वो ज्यादा आए, तो नीचे वाली वेलोसिटी कम आए। तो क्या होगा, जब ये चल रहा होगा, मान लो प्लेन यूं चल रहा है, तो हवा यहाँ पे यूं चल रही है, तो ऊपर की तरफ जो हवा चल रही है उसको मैंने बोल दिया V1, और नीचे की तरफ जो हवा चल रही है वो चल रही है V2। अब यहाँ पे ये जो गैप सा होता है, इस गैप की वजह से क्या होता है, जो V1 है वो बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू V2। जैसे आपने उसको कुछ इस तरह से कर दिया, मान लो विंग को थोड़ा सा यू कर दिया, तो क्या होगा, या ऊपर वाली हवा है वो तो बहुत तेज चलेगी, और नीचे यहाँ पे हवा तो तेज चलेगी, लेकिन जो ये वाला एरिया है यहाँ पे हवा की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम। तो V1 ज्यादा है V2 से, तो जो प्रेशर होगा P2 वो ज्यादा हो जाएगा P1 से। तो P2 ज्यादा हो जाएगा प्रेशर से, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक अपवर्ड थ्रस्ट या प्रेशर लगेगा, तो उसको ऊपर की तरफ उठा देगा। अपवर्ड थ्रस्ट बोल सकते हैं इसको, ऊपर की तरफ उठाने वाली फोर्स, तो इसलिए वो उड़ना शुरू करता है। तीसरी एप्लीकेशन इसकी बहुत प्यारी है, अपने आप में ही इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। इसके यूट्यूब पे कई वीडियो मिल जाएंगे आपको, बहुत प्यारा इफेक्ट होता है, समझने में भी बड़ा आसान है, और प्रैक्टिकली भी आप इसको देख सकते हो। तो मैग्नस इफेक्ट का एक्चुअली में यूज क्रिकेट में भी है, पर क्रिकेट में इतना ज्यादा यूज नहीं हो पाता, बट हाँ क्रिकेटर्स को पता होती है बात। अब मेन चीज है क्या, देखो मान लो आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को बिना स्पिन करे बस सीधे आगे की तरफ आपने फेंक दिया, इसको कोई रोटेशन नहीं दिया, आपने इसको घुमा नहीं रखा, तो क्या होगा, हवा ऊपर से भी जाएगी काटते हुए इसको और नीचे से भी जाएगी, और दोनों सेम होगा, कोई फर्क ही नहीं है, बिल्कुल सिमेट्री होगी, कि बॉल तो घूम नहीं रही, तो बॉल तो घूम नहीं रही इसलिए सिमेट्री होगी पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, सेम ही होगी स्पीड। लेकिन मान लो मैंने इसको रोटेट कर दिया होता, मैंने इस बॉल को आगे की तरफ भी फेंका होता और मैंने इस बॉल को थोड़ा स्पिन भी करा दिया होता, मतलब यू भी घुमा दिया होता, इस तरह से भी रोटेट करवा दिया होता बॉल को, तो क्या होता, तो जो नॉर्मल एयर वैसे फ्लो कर रही थी वो तो फ्लो करती रहती, लेकिन चूंकि नीचे वाला एंड भी अब घूम रहा है तो वो भी अपने साथ एयर को घुमाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा एयर को अपने साथ घुमाएगा, क्योंकि बी वाला पॉइंट, जो नीचे वाला पॉइंट है वो खुद भी पीछे जा रहा है और जो ए वाला पॉइंट है वो आगे जा रहा है, तो जो ए वाला पॉइंट होगा वो कुछ वेलोसिटी को काट रहा होगा। तो यहां पे इस केस में आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो वेलोसिटी बी पॉइंट पे होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पॉइंट ए, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा बी पॉइंट पे एज कंपेयर टू ए, यानी कि ए पॉइंट पे ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है और नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर कम है। तो मान लो पहले वाले केस में आपने विदाउट रोटेशन बॉल को फेंका होता, तो मान लो वही स्पीड दी होती आपने इसको वी, तो मान लो इसका डिस्टेंस होता 100 मीटर, लेकिन मान लो आपने इसको इस तरह से घुमा करके फेंका होता, जो बॉल है हमारी उसके ऊपर ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है नीचे की तरफ, नीचे वाला प्रेशर कम है ऊपर वाला ज्यादा है, तो ओवरऑल उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पहले गिर जाएगी। मतलब विदाउट रोटेशन अगर आपने एक बॉल को फेंका होता, मान लो वो गई होती 100 मीटर, अगर आपने उसको कोई रोटेशन नहीं दिया होता, और अगर आपने उसको रोटेशन दे दिया होता तो वो कुछ कम जाती, मतलब वो जल्दी गिर जाती, मान लो वो यहां गिर जाती कुछ 80 मीटर पे ही, ये फर्क पड़ जाता। और इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा ट्रू है, मतलब अगर आपने यहां पे बॉल को मान लो ऐसे घुमा दिया, अपोजिट घुमा दिया पिछली बार की तुलना में, पिछली बार हमने बॉल को क्लॉकवाइज घुमाया था, अब की बार मान लो हम इसको ऐसे घुमा देते, तो ऐसे घुमा देते तो क्या होता, जो एयर अपने आप आ रही है वो तो वैसे की वैसी आ रही होती, लेकिन अब की बार क्या होगा, ए वाला पॉइंट ये जा रहा है पीछे की तरफ, तो ए वाले की वजह से एयर भी पीछे की तरफ जाएगी
और बी वाला पॉइंट घूम करके आगे की तरफ जा रहा है, तो बी वाले की वजह से वेलोसिटी इस तरफ आएगी। तो आप देखोगे तो ओवरऑल ऑब्जर्व करोगे तो ए पॉइंट की वेलोसिटी आपको ज्यादा मिलेगी बी पॉइंट से, तो वेलोसिटी ज्यादा है जहां की वहां का प्रेशर कम होता है, तो ए पॉइंट का प्रेशर कम हो जाएगा बी पॉइंट के प्रेशर से। मतलब ओवरऑल क्या होगा, जो नीचे वाला प्रेशर है वो ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या लग रही होगी, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है। क्या करेगा ये, अब की बार डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। मतलब अगर मैं सेम डायग्राम में ले चलूं वापस, जैसे ये डायग्राम था, इस केस में ही अगर आपने सेम जगह से बॉल को फेंका होता, पर अब की बार आपने उसको ऐसे घुमा दिया होता, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से घुमा दिया होता, तो अब की बार वो बॉल पहले वाले की तुलना में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती। मान लो वो 120 मीटर पे जाकर के गिरती। तो इस चीज, तो जो अगली एप्लीकेशन है उसका बड़ा भारी नाम है एटोमाइजर, वैसे इसको बोलते हैं फुसफुस। फुसफुस क्या होता है, जैसे हम बाल कटाने जाते हैं ना, तो जिससे नाई वो मतलब पानी डालता है, स्प्रे करता है पानी का स्प्रे, तो उसको अब ऐसे साइंटिफिक नाम उसका एटोमाइजर रखा हुआ है। होती क्या है, एक बोतल है, इस बोतल में लिक्विड भरा हुआ होता है, यहां से एक नलची निकली हुई होती है पाइप इस तरह से, और यहाँ पे इसकी ऐसे कुप्पी होती है, इसका ऐसे यहाँ से मुंह होता है, नोजल टाइप चीज चीज जहां से लिक्विड स्प्रे होता है, यहाँ से ये इस तरह से बंद होती है। तो आजकल तो वो हाथों से दबाने वाली आ गई, वरना पहले यहाँ पे क्या होता था, ऐसे एक पूरा मतलब पूरा एक बलून टाइप अरेंजमेंट होता था उसमें, मतलब ये नहीं आता था वहां पे, ये इस तरह से होता था यहाँ पे, मतलब ये एक तरह से इसको आप प्रेस कर सकते थे, इसके अंदर एयर फिल्ड होती थी। तो आप क्या करते थे, जैसे ही इसको बल्ब भी बोलते हैं, मतलब एक तरह से एयर बल्ब, तो जैसे ही आप इस बल्ब को प्रेस करते हो, जैसे आप बल्ब को प्रेस करते, वैसे क्या होता, जो यहां वाली एयर होती उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती, यहां पे स्पीड तेज हो जाती। पॉइंट इसको मैंने बोल दिया ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जिसके मैं बात कर रहा हूं, मान लो वो पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये नीचे वाला पॉइंट हो गया पी वाला पॉइंट। तो अगर यहाँ पे ऊपर ए वाला पॉइंट है, वहां की पे स्पीड तेज हो गई, तो ए वाले पॉइंट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बी वाले पॉइंट की स्पीड। तो ए वाले पॉइंट की स्पीड ज्यादा है, तो ए वाले पॉइंट का प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रेशर एट बी, तो बी वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो बी वाले पॉइंट का प्रेशर बढ़ गया, तो जो नीचे लिक्विड है उसके ऊपर वो प्रेशर लगाना शुरू कर देगा, तो उसके ऊपर वो प्रेशर लगाएगा, तो ये जो पाइप है इसके थ्रू होता हुआ लिक्विड, और फिर ऐसे करके यहाँ पे जो ये नलची है, इस नलची से वो लिक्विड बाहर आने लग जाएगा। तो सारा खेल प्रेशर का है, जैसे आपने इसको प्रेस करा वैसे यहाँ पे आपने हवा को स्पीड दी, हवा को आपने स्पीड दी, स्पीड की वजह से प्रेशर कम हो गया, तो नीचे ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर बढ़ गया, तो नीचे प्रेशर बढ़ गया, तो उसने इस पाइप के अंदर लिक्विड को भेज दिया, तो लिक्विड वहां से बाहर आ गया। तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर काम करता है।